हमारे में इट इज हेल्पिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. तो सेम थिंग विल ऑल्सो बी सीन इन टर्म्स ऑफ अनदर स्पीशीज इफ इट इज प्रेजेंट ओवर देयर. तो ऐसा नहीं कि इंसुलिन का फंक्शन ह्यूमन बींग में अलग है, शीप में अलग है, या गोट में अलग है, किसी और में अलग है. Every organism who has this hormone will have the same function like what we have. So it is similar influence in another species. Then, fifth point. What is the fifth point? They are biologically active at a very small quantities. So वहाँ पे figure दिया हुआ है. Figure क्या है? 300 million. Then one part in 300 million. मतलब सोचो, one small part out of 300 million, उतना भी हुआ, still it is highly active to perform that function. Okay? And obviously the enzymes are always in nanoliters. मतलब बहुत ही कम quantities में ही होते. It is not even I would say one drop, but still that less amount is capable enough to bring about functioning of your body. पहले point. पांच जनरल है. अब सिक्स पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है. नाउ फर्स्ट इन सिक्स पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट टू क्राइटेरिया दे आर गिवन इन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्मोन. व्हाट इज केमिकली हार्मोन मेड अप ऑफ? इट इज आइदर वाटर सॉल्युबल और इट इज लिपिड सॉल्युबल. सो दो कैटेगरीज है, एक तो वाटर सॉल्युबल है या एक तो लिपिड सॉल्युबल है. नाउ इन द वाटर सॉल्युबल दे आर गिवन यू अगेन व्हाट इज इट फर्दर मेड अप ऑफ विद एग्जांपल्स. क्या दिया हुआ है? Okay. सबसे पहले दे आर गिवन यू ओवर देयर इज इट इज प्रोटीन सच एज इंसुलिन. पेप्टाइड्स प्रोटीन सच एज इंसुलिन. सेकंड एग्जांपल दे आर गिवन यू इज अमाइन. दैट इज अमाइन एसिड डेरिवेटिव्स. एग्जांपल एडेनिन. दिस टू आर एग्जांपल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल. देन द नेक्स्ट वन इज लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड सॉल्युबल. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इस स्टेरॉइड हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन. ओके, नाउ देन डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सच एज टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड हार्मोन्स. इफ यू टेक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर बेसिकली एड्रिनल के पार्ट के अंडर आते हैं. दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स हुए. इनमें द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स द टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, ये मोस्टली द लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में आएंगे, मतलब लिपिड पार्ट के डेरिवेटिव्स है. पर आउट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट वन व्हिच इज गिवन, अ पेप्टाइड हार्मोन नोन एज इंसुलिन. ओके, मतलब इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. ओके, इंसुलिन इज नेवर गिवन ओरली बट इज इंजेक्टेड इन टू योर बॉडी. मेजोरिटी ऑफ द हार्मोन्स आर नेवर गिवन ओरली बट ऐसे अपन पोलियो के डोज लेते हैं. सो पोलियो टेक इट ओरली बट व्हाई नॉट देन इंसुलिन, व्हाई नॉट अदर हार्मोन्स? इफ यू पुट इन द इंजेक्शंस ब्लड आल्सो 90-80% वाटर ओनली ना. सर व्हाई इज हार्मोन्स लाइक इंसुलिन टेकन इन अ इंजेक्टेबल फॉर्म एंड नॉट इन अ ओरल डोज? स्टमक. सो इट एफिकेसी वुड बी डिस्ट्रॉयड. तो आपने लिया एज अ हार्मोन, अंदर स्टमक में डिस्ट्रॉय होने के बाद वो हार्मोन बचेगा ही नहीं. सो देन इज देयर नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट हार्मोन. So that is why most of the hormones are destroyed by the stomach enzymes. So taken in the injectable form. Am I clear? Mm-hmm. Then next point, seventh point. Okay, if they are in excess, then a problem. If they are in less amount, then also there is a problem. Okay, hyposecretion and hypersecretion, undersecretion or oversecretion. So unlike enzymes, okay, हमारे body में enzymes है. ज्यादा हुआ कोई इशू नहीं है, कम हुआ तो भी इतना नहीं, जीरो हुआ तो इशू है. पर हार्मोन ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, थोड़ा कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है. एंड द लास्ट पॉइंट, हार्मोन्स आर नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी.
Now, what do you mean by this point, children? Suppose if I take an example, pancreas. This is an example. Produces 1 ml of hormone. Okay? So, 1 ml mein, my body requires maybe only 0.10. Jo extra bana hai, that will be simply flushed out from the urine. Okay? So, it is not kya baba, jada bana hai, store karke rakhenge and it will be utilized for next time. No. Whatever produced directly into bloodstream and it would be used wherever required, excess hai, flush out. Only exception to this category. Okay, I am not saying the exception in this category would be is thyroid gland. Then thyroid gland ek aisa hormone produce kar raha hai where that is the only gland where hormones are produced and stored for some time and then thrown out into the blood. Baki koi bhi gland mein produce and immediately release into the blood. So thyroid mein sirf store ho time ke liye hota hai and then it can be. But it cannot store for longer period of time or waha pe wo hold on nahi karta. Then that are 8 points which are there in the general properties. Any 4 or 5. 6 padhna hi hai compulsory. Am I clear? Yes sir. Okay. Next thing you will use what are hormones? Already discussed about it. They are chemical substances which are produced by endocrine glands held via blood for a specific target organ. Next thing you will use endocrine glands. 4 glands jo hum syllabus mein padhne. First gland is adrenal gland. Now adrenal gland mein diagrammatic form mein there are exocrine gland and endocrine gland, everybody knows. One with duct, one without duct. Okay, then, isme, yahan pe middle part mein is heterocrine gland. What is heterocrine? A combination of both the glands is known as heterocrine gland. Pancreas is a heterocrine gland. Uska exocrine function bhi hai, endocrine function bhi hai. Exocrine function is pancreatic enzymes. Nine standard diet system and endocrine function जो अपन पढ़ेंगे acid acid क्या there are other glands which are primary function is to something else so whether it is liver whether it is heart whether it is small intestine whether it is your kidney ये इनका primary function कुछ और है secondary function में it also secretes hormone so they are considered as secondary glands. हार्मोन का डेफिनेशन द जनरल प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़ रहे थे. अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज व्हाट आई मीन बाय एंडोक्राइनोलॉजी. ओके, देन यू कैन कंप्लीट योर मेडिकल स्टडीज एज ए एमबीबीएस एमडी. अपन बोलते ना स्किन स्पेशलिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, इनमें देर इज अ डिग्री एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. ओके, बहुत ही रेयर मिलेंगे डॉक्टर आपको, मतलब 100 में से एक कोई डॉक्टर मिलेगा. बट अगर मिला तो उसकी फीस ऑब्वियसली हाई ही होगी बिकॉज तो वेरी रेयरली दे विल कम इनटू पिक्चर. उनके पास डायरेक्ट कंसल्टिंग वुड बी वेरी रेयर. तो डायरेक्ट कंसल्टिंग में ऑब्वियस है कि उनकी फीस तो ज़्यादा ही होगी. ओके, नॉर्मली इनके पास कब मिला जाता है? लाइक स्मॉल चिल्ड्रन वगैरह हाइट नहीं बढ़ रही है. ओके, देवर फीस वगैरह दिखा जाए then they would be approached because then injection देके वगैरह थोड़ा तो height बढ़े. okay, that is where it works. so adrenal gland. now children first I said position of adrenal gland. okay, वहाँ पे लिखा है देखो are like caps on the top of each kidney. then board is very clear. keyword is caps. okay, अगर आपका कैप वर्ड मिस आउट हुआ नो मार्क्स. मेजोरिटी ऑफ यू राइट दे आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द किडनी.
There are structures present above the kidney. Will it work? The answer is no. Reason? So when I say the word cap like structures on top of each kidney, so cap aisi pehni jaati hai. Okay? But when I say above the kidney, ye bhi above hua, ye bhi above you hua, ye bhi above you hua. But cap jab bulata to ye aise hota hai. Above and attached to the kidney. So cap like structures on each of the kidneys. Then adrenal gland is divided into two parts. One outer part known as cortex and the inner part known as medulla. So adrenal cortex and adrenal medulla are part of the adrenal gland. Now, what are the hormones created by adrenal cortex and adrenal medulla? Sabse pehle adrenal medulla. It secretes the most important hormone of your body. Adrenaline, also known as epinephrine, also known as noradrenaline. Sir, please, word ko strike out karte. Noradrenaline. You will not use this word, children. Okay? Technically, you are right, nahi hai because adrenaline, epinephrine, ये अलग हुआ. नॉन एड्रेनालिन नॉन एपिनेफ्रिन अलग कैटेगरी का होता है. सो वी डू नॉट यूज द वर्ड नॉन एड्रेनालिन. वी जस्ट सिंपली से एज एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन और आल्सो नोन बाय अनदर नेम इमरजेंसी हार्मोन. ओके, फाइट फ्लाइट हार्मोन. द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन. एक ही हार्मोन है, अलग अलग नाम दिए गए. सो इट कुड बी सेड एज इमरजेंसी फाइट एंड फ्लाइट. फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन. इसके इसको 3Fs कहा जाता है. 3Fs, फाइट फ्लाइट एंड फियर. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एड्रेनालिन हार्मोन? एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन प्रिपेयर्स बॉडी अगेन इमरजेंसी सिचुएशन. इसके लिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है. अच्छा, व्हाट आर इमरजेंसी सिचुएशन इन योर लाइफ? इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है? गुड, कुत्ता पीछे पड़ गया, सांप को देखा, या यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, या 10 लोग पकड़ के इसको मार रहे ना, या इट मे हैपन हीरो की तरह ये 10 लोग को मार रहा है. ये पॉसिबिलिटी है भाई. सो देन दैट आर इमरजेंसी सिचुएशन. देन इमरजेंसी सिचुएशन कुड ऑल्सो बी समथिंग लाइक somebody has expired from your family and you are depressed. Okay, love someone which is very close to you. So even depression is also in the situation. So for all these things, the adrenaline would make you work in that case. Okay, prepare kar raha hai. Okay, so physical condition of fight or flight response. Even simple hai. Ek jab 10 jan aapko pakad ke maar. Imagine 10 people. Okay. So what is the first thing will come into his mind? कैसे भाग जाओ यार, वरना एक हाथ और हड्डी टूटी जाएगी. So children, at that time, when he wants to run away from the situation, okay, मार खा रहा है, डर के मारे बॉडी फेल हो चुकी है, but he required more energy for running out of that situation. Okay. Second, अगर ये 10 जन को मार रहा है, उल्टा हो रहा है, तो गुस्से से लाल लाल है, मैक्सिमम एनर्जी सबको दो है, तभी भी एनर्जी चाहिए एंड टू मच ऑफ रेडनेस ऑन टू स्पेस. गुस्से में मम्मी डैडी लाल लाल होते हैं. सो दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ एडिनल. सो यू कैन सी ट्रेम्बलिंग, डायलेटेड प्यूपल्स, पेल ऑफ फ्लश स्किन एंड रैपिड हार्टबीट एंड ब्रीथिंग. एंड ये कब? डर गए वगैरह तब होता है. अगर मार रहे वगैरह होगे तो फ्लश स्किन नहीं होता है. इट विल बी मच मोर डार्क बिकॉज more blood will be pumped. At the same time, one common function जो heartbeat पे होता है वो है highly increase in the heartbeat. आपका heartbeat बहुत ज़्यादा बढ़ता है because of the adrenaline. Okay? So English movie Adrenaline Rush एक बहुत पुराना movie है. ये maybe मेरे time जो थोड़ा था तभी था. Okay? So चलें, that is movie Adrenaline Rush showing in the effect. हाँ, exactly effect. तो movie का effect दिखाया. तो यहाँ पे extra hormone is released when you are emotionally stressed. Okay? Sir, in case of reaction of people
सब एवरीथिंग एड्रेनलिन मुड़ गई थी। कई पैनिक अटैक हुआ उसके अटैक के बाद सीधा हार्ट अटैक का सीधा गया, वो भी तो एड्रेनलिन का इफेक्ट ही है। इमोशनल कुड बी एनीथिंग, हाउ यू डील विद दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। लाइक बिफोर अ गेम लाइक अ नेशनल गेम, सो प्लेयर्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है। या सर वहां पे आगे लिखा भी है, द फाइनल डैश इन अ रनिंग रेस हां डैश इज क्रिएटेड बाय एड्रेनलिन। हू आर रनिंग लास्ट का वो पॉइंट मिलीसेकंड जो होगा उसमें विनर डिसाइड होता है, इफ बोथ आर क्लोज टू क्लोज, तो दैट डिसाइड्स इज द एड्रेनलिन, कितना वो पंप कर पा रहा है उसके बॉडी में, उसके हिसाब से एनर्जी क्रिएट हुआ, सो दैट वो लास्ट गियर बदला और जीत गया। दैट इज व्हाट एड्रेनलिन डस। इमोशनल स्ट्रेस कुड बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम स्टडीज कभी नहीं होता, ओके बट यस उसके अलावा और भी बहुत सारे लाइफ के स्ट्रेस है ना, टाइम पे लेक्चर में आना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके और भी बहुत सारे होंगे, दैट्स वॉट, बट हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट इज अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लाइक बहुत सारे इमोशनली जब अफेक्ट होता है तो ज्यादा खाते हैं, ये भी देखा है, कोई सोता है, कोई शायद रीडिंग करता है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सो वो डिपेंड करता है हाउ यू डील विथ इट। नाउ बुक का चार्ट दिया हुआ है, डू वी लर्न टू लर्न दैट, नो जरूरत नहीं चुका, पर अगर आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, हार्ट के ऊपर एड्रेनलिन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, सो ऑब्वियसली थंपिंग इफेक्ट, ब्रीथिंग सेंटर पे अगेन इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट, देन कोरिलेट करना, हार्ट बीट बढ़ा मतलब ब्रीथिंग रेट भी बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली पैंटिंग डॉग करते ना नॉर्मली, या अपन बहुत भागने के बाद तो वो हुआ पेंटिंग, देन आर्टरियल स्किन कंस्ट्रिक्ट सो लेस ब्लड, परसेंटेज पिंक एंड पेज आर्टरियल सिस्टम कंस्ट्रिक्ट देन सो ऑब्वियसली लेस ब्लड गोइंग टू द सिस्टम, द ब्राउथ बिकम्स टू ड्राई, मसल्स ऑफ द बॉडी टेंसेस देम सो ऑब्वियसली रेडी फॉर इंजेक्शन, टेंस फीलिंग शिवरिंग भी हो सकता है, लीवर में फ्लन अप। इस टेबल में आपको एग्जाम पॉइंट से भी क्या याद रखना है, पहले दो पॉइंट याद रखना, हार्ट और ब्रीथिंग ये पता होना चाहिए, एंड देन रिमेंबर दिस लीवर, तो लीवर याद रखते हो तो ये भी सेम ही है, अगर व्हाट वी नो सर्वर सिस्टम में पढ़ा था हेपेटिक पोर्टल में, व्हाट एवर एक्सेस फूड विल बी स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लीवर की कैपेसिटी है आफ्टर लीवर फैट डिपोज, तो दोनों जगह पे ये वर्क कर रहा है, व्हाट इज द ओनली पर्पस, जितना भी एक्सेस ग्लाइकोजन है या ग्लाइकोजन है उसके ऊपर टारगेट करेगा, ब्रेक डाउन द लीवर ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज, व्हाई ग्लूकोज रिक्वायर्स एनर्जी, सो इट इज लाइक स्टीम इंजन में कोयला डालना, द मोर यू पुट द कोल मोर फास्टर द इंजन रन्स, एग्जैक्टली सेम थिंग, जितना ज्यादा ग्लूकोज बनोगा उतना फैटी एसिड बनाते ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उतना ग्लूकोज में यूटिलाइज बाय द बॉडी टू अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड क्रिएट मोर एनर्जी, वेदर इट इज फॉर फाइटिंग, वेदर इट इज फॉर व्हाटएवर पर्पस, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट चलिए उसके इफेक्ट्स दिए हुए फंक्शंस, आपके बुक में नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है फंक्शंस ऑफ आई थिंक द एड्रेनलिन दैट इज इमरजेंसी हार्मोन, first is increase the heartbeat blood pressure, second more blood is pumped to the muscles, okay, and withdrawn from the peripheral skin part, 9th standard vasoconstriction vasodilation, so this is related somewhat, but yahan pe wahan pe wo sweating ke liye tha, yahan pe iske liye nahi hai, so it is pumping more amount of blood to the muscles, why, because more the blood goes over there obviously more glucose goes to the muscle, so more energy would be utilized by the muscles for its movement and that is how energy will be taken. Last point, more addition of glucose into your bloodstream or into your body, okay, it is example similar to what we say as the coal engine, okay, more you put the coal faster you moves, exactly same, jitna glucose milega utni body immediately or fast work karegi,
So that's the functions of the adrenal, medulla part is adrenal. Next, adrenal cortex. Then adrenal in general हुआ मतलब एक ही function है बार बार घुमा घुमा के लिखा हुआ है. पर adrenal cortex जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शनलिटी ऑफ आवर जेंडर. अगर एड्रिनल ग्लैंड पे अफेक्ट हुआ एंड इफ इट इन्फ्लेम्स स्वेल्स और देर इज हाइपर एड्रिनल मतलब बड़ा होके मोर हॉर्मोन्स आर सीक्रेट ऑफ एड्रिनल इट कैन अफेक्ट योर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर. I may be born as a boy, but may show feminine character. Or she may be born as a girl, but she may show masculine character. Okay? So we have heard about अपन ने genetics में पढ़ा था कि XXXY X0 मतलब पैदाइशी लड़का पर एक X होने के वजह से लड़की. पैदाइशी लड़की बिकॉज एक्स है पर एक नहीं है उसके वजह से मेल क्लाइंट कैरेक्टर चल वो आप चेंज नहीं कर सकते व्हाट इज जेनेटिकल बट देयर कुड बी वन डिसएडवांटेज इज इन टर्म्स ऑफ हार्मोन तो ये उसके लिए होता है हार्मोनल पार्ट के लिए. छोटा एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेटरी द सिक्रेट फर्स्ट द मोस्ट कॉमन इज कॉर्टिसोल. मैं यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं ठीक है बट थ्री मेन हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द पार्ट. अब आपके बुक में एक वर्ड लिखा स्टार्टिंग में कॉर्टिसोन इज एक्टिंग एज अ कॉमनली योर इन्फ्लेमेटरी हॉर्मोन व्हिच रिड्यूसेस और सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन. इट इज द मोस्ट कॉमन हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. चल कॉर्टिसोन या कॉर्टिकॉइड पर उसके अंदर मतलब दैट इज द जनरल पार्ट पर उसके अंदर वापिस दे आर गिवन यू मिंडल कॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड. सेक्स कॉर्टिकॉइड नीचे लिखा हुआ है हाँ या ना. नाउ सुन फर्स्ट जो दिया हुआ है अंडरलाइन दैट कॉर्टिसोल सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा है ना कॉर्टिसोल इट विच रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. सुन इसका यूसेज कहाँ पे किया जाता है गुड चलन. ये हार्मोन पेन किलर की तरह यूज होते हैं बट कंडीशंस अप्लाई ओके चलन. दिस हार्मोन इज ओनली यूज व्हेन द इंजरी इज टू सीरियस एंड यू आर नॉट एबल टू बेयर द पेन. नॉर्मल पेन किलर शायद वर्क नहीं करेंगे ओके तब ये दिया जाएगा बट अगेन वेरी स्पेसिफिक proper doctor guidance strictly has to be monitored. Anything excess, it's a hormone. और अपन ने कहा इट हैज अगर ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम कम हुआ तो प्रॉब्लम. चिल्ड्रन ये बहुत रेयर दिया जाता है और ये बहुत सीवियर कंडीशन में दिया जाता है. एंड अगर मान लो कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम और उसको ये हॉर्मोन लेना है इट्स अ नॉर्मल इंजेक्शन. चिल्ड्रन अभी का मुझे रिसेंटली पता नहीं क्या आया सीन बट लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th या मेरा बीएससी लेवल पे दिस हार्मोन जब दिया जाता है इसका प्रोसीजर इज कंसीडर्ड एज अ ऑपरेशनल प्रोसीजर. मतलब मुझे इंजेक्शन का प्राइस देना है साथ में जो ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस होते हैं वो भी आपके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं बिकॉज इट इज गिवन इन. उसका रीजन मुझे भी नहीं पता कि मैं डॉक्टर को बोलता है दैट इज हाउ इट गोज ओके. It has to be taken in a very precise manner or its effect almost more than 12, 15, 24 hours तक रहता है. Okay? So, मैंने अपने life में ये लिया है almost 5 for my papers. So, I had a problem with my finger और मेरा board exam मतलब final BSc exam था. So, for that I need to take it for writing the papers because pain बहुत ज़्यादा होता था तो इसके लिए लिया. पर yes, doctor had very strictly advised me क्या अगर इसका आपको अफेक्ट हुआ तो ठीक ज्यादा अगर आप सोच रहे हो क्या बेटर लग रहा है मैं ज्यादा लेता हूँ तो पहले तो मैं लूंगा मिंदू में बिकॉज उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे बाद में. सो दैट्स अ पार्ट. सो नाउ वी गो विद द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स. नाउ द नेम इटसेल्फ कभी पूछेंगे नहीं और ये बेसिक नॉलेज है. व्हाट डज इट रेगुलेट्स
द मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर बॉडी. मिनरल में वहां पे लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम, सोडियम पोटेशियम पंप. आपके बुक में सोडियम पंप दिया था, एक्चुअली इट इज सोडियम पोटेशियम पंप. ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग अ नर्वस सिस्टम फंक्शन, दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एम्ड इन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. ये स्पेलिंग मिस्टेक. सो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. अब चलन ये फंक्शन करता है विद कोलैबोरेशन ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन का भी एक हार्मोन, थायरॉक्सिन का भी फंक्शन यही है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. पर मोर इफेक्टिव इज थायरॉक्सिन. भले आपके बॉडी में ये होगा पर थायरॉक्सिन की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड. अच्छा वहां पर अगर अफेक्ट होगा तो ये बहुत कुछ अफेक्ट कर सकता है. एंड नॉर्मली इट इज मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टिंग फीमेल्स. आपने देखा होगा आपकी मम्मी फोटो देखती रहती शादी के पहले के, मैं शादी की बात नहीं, मैं कितने स्लिम ट्रिम थी, तू पैदा होगी और मुझको इतना मोटी होगी हो गया. 90% पॉइंट ऑफ फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी देर इज अपसर्ज इन दिस हॉर्मोन्स एंड तब सडनली मम्मी वॉज स्लिम ट्रिम एंड शी बिकम्स टू ओवरफिट. देन बट दैट्स हाउ इट गोज. इसका आपकी गलती नहीं है कि मम्मी की गलती नहीं है. कई जन में इट वर्क्स, कई जन में ये नहीं होता. सो दैट्स अगेन योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इज इट क्लियर? बिकॉज दोनों का काम है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो है पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म वर्ड लिखा हुआ है, पर जो थायरॉक्सिन करता है वो है खाना हम खाते हैं. अब तू मान ले 24/7 ठूस रहा है पर आर यू लाइक दिस? नो. तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई है, मेटाबॉलिज्म रेट हाई है इसके लिए स्लिम ट्रिम. अगर मेटाबॉलिज्म रेट कम होता तो क्या फैट हो जाता है? अगर मेटाबॉलिज्म रेट अप डाउन करना ये थायरॉक्सिन का काम है, तो उसके लिए वो इफेक्ट करवाएगा बट ये उसको ब्रेक डाउन करने का काम करवाएगा. सो कार्बोहाइड्रेट फैट और इसको ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करवा दे पर कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा ये थायरॉक्सिन डिसाइड करता है. और अगर इफ इट इज अ स्मॉल एज ग्रुप तो ये और ज्यादा फर्क पड़ेगा जो अपन थायराइड में देखेंगे. नेक्स्ट चले गो एड. यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं होता है. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बात उन्होंने दिया हुआ है. लो चलन यहाँ पे एड्रिनल विलिज्म नीचे ऑरेंज बॉक्स में डाला हुआ है. मार्क करना इंपॉर्टेंट. ओके देन ये जो पॉइंट्स है ना ये आपके बुक में अंडर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिखा है. देखो अंडर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स in general corticoid hormone bring about increased blood glucose concentration, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body and that is helps in stress situations like cold, heat, then infection itself. So there are 1, 2, 3, 4 points. So why the other 4, 5 points? Okay. So इसमें से mark करना regulate salt and water balance. बॉडी में ये वर्क कर रहा है किडनी में. इट इज वैसोप्रेसिन. कितना पढ़ रहे हो दिख रहा है ADH और वैसोप्रेसिन. तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है फॉर द प्रॉपर वाटर एंड सॉइल बैलेंस ऑफ योर बॉडी. नेक्स्ट देन चिल्ड्रन इट इज आल्सो इन द वेलो अडैप्ट द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लाइक कोल्ड हीट इंफेक्शन वगैरह तभी ये वर्क कर. अब नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज एड्रिनल विरिलिज्म और गायनेकोमास्टिया इन मेल्स.
यहाँ पे अ पर्सन हु इज बॉर्न एज अ फीमेल बट शी हैज बियर्ड और मुस्टाच, पैदाइशी लड़की है बट बिकॉज एड्रिनल कॉर्टेक्स इज बोल ओवरसाइज हो चुका है, इट इज सिक्रेटिंग मोर हॉर्मोन. सो उसमें क्या हो रहा है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. अब ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हर एक जेंडर में अपोजिट वर्क करते हैं. मतलब मुझ में अगर ये हॉर्मोन बन रहा है तो इट विल मिमिक द इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन, फीमेल हॉर्मोन का कॉपी करेगा. अगर ध्वनि में ये काम कर रहा है तो इट विल इफेक्ट कॉपी द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो अगर लड़कियों में ज्यादा हुआ तो दे विल शो द फीचर लाइक मस्कुलाइन फीचर्स, कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय हॉर्मोनल थेरेपीज. तो कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं करते, बॉडी में ही प्रॉब्लम है, बार बार हॉर्मोन कितना कर पाओ. सो दैट्स इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स. अब मेल्स मेल फाइंड दे हैव अ गायनेकोमास्टी, दैट इज द ब्रेस्ट इज एनलार्ज्ड लाइक अ फीमेल. सो देन दैट इज अ मेल विच इज शोइंग दिस कंडीशन. क्लियर विद दिस? सो दैट्स वॉट इज गिवन इन योर ऑरेंज बॉक्स. चिल्ड्रन टर्म याद रखना, एड्रिनल विरिलिज्म, वो वर्ड आपको याद रखना, मेलनेस. देन ये नॉर्मल इंडिविजुअल है. डिफरेंस जेनेटिक और हार्मोन में अलग होता है. जेनेटिक में दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन पार्ट. They would become a normal father, normal mother. But because of this problem, they would show slightly a feminine or masculine feature. Okay? वहाँ पे वो masculine feature में मैंने दिखाई रहा है. But are they continuing the generation? No, they cannot reproduce. ये reproduce कर सकते. अब चलें, यहाँ पे जो example दिया हुआ है, that is the first part. Hyposecretion leads to what we say as Addison's disease, underlying Addison's disease. अच्छा, Addison's disease में you can see over here. मतलब वहाँ पे what भी लिखा हुआ है, hypoglycemia. मतलब क्या? Lower blood sugar. Postural hypotension, body के posture के हिसाब से आपका blood pressure बढ़ते जा रहा है वहाँ पे. Weight loss, sudden rise that of weight loss. Weakness है. GI disturbances, gastrointestinal disturbances, pet upset वगैरह, ये बहुत common इसमें. Then changes in distribution of body है, adrenal virism वगैरह उस category में निकालेगा. And bronze pigmentation on skin, skin के ऊपर थोड़ा color change हो जाता है, उनके लिए bronze shade में. तो all that are part of, तो ना आपके book में इतना नहीं दिया हुआ है, तो आपके book में आप देखो क्या क्या लिखा हुआ है. Symptoms are loss of energy, तो वो कहाँ आया? Weakness. Then skin pigmentation जो ऊपर लिखा है, then loss of weight also given, nausea, you can almost say something like GI disturbance category में आ गया. Then hypoglycemia already given upwards, a low blood sugar, sensitivity to cold and pain, increased susceptibility to infection. ये सब कुछ आपको दिखाई देगा in Addison's disease. Then एग्जाम में सिम्टम्स डाउट है, रेयरली आने के चांसेस आई वुड से लेस देन 1%. बट व्हाट इज द कंडीशन लीडिंग टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो एडिसन्स डिजीज. तो आपको हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन ये याद रखना है. ये क्या होगा? कशिंग सिंड्रोम. नेक्स्ट पार्ट में देखना. हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स लीड्स टू कशिंग सिंड्रोम. अब चलो यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे, एक पढ़ोगे, वहां पे क्या था? वीकनेस था. यहाँ पे भी कंपैरेटिव थोड़ा बहुत वीकनेस है, बट वहां पे था हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ पे है हाइपरग्लाइसीमिया. विद द करंट पैटर्न अपने को इतना पता है, तीन के ऊपर ज्यादा पूछेंगे नहीं. सो यू नीड टू लर्न एटलीस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक
hyperglycemia. Second, hyperglycemia is high blood sugar. Osteoporosis. What is osteoporosis? Weak bones with pores. Brittle bones. Abhilan. Gynecomastia. Of females में growth of more hair or mustaches. अब बुक के हिसाब से जाते हैं तो obesity जो दिखाई दे रहा है fat deposits on backs and stomach part. Then second hyperglycemia, osteoporosis, weakness, salt and water retention. अच्छा अगर आपको याद रखना है तो obesity, hyperglycemia and salt and water balance. Reason? Normally obesity is also because of salt and water retention. Correlation में आ जाता है. And hypoglycemia, hyperglycemia. And additionally osteoporosis. तो कितने दिए हुए हैं? Hypersecretion दिया हुआ है. Hypo नहीं नहीं. Hypo hyper. उसके अंदर what is hypo leading to? Hyper leading to? Okay. अगर चिल्ड्रन मान लो एग्जाम में आए गिव टू कंडीशन ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या लिखोगे आप टू कंडीशन में नेम ऑफ डिजीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं नॉट द सिम्टम्स मैंने क्लियरली हाइपर सिक्रीशन बोला चिल्ड्रन यू फॉरगेट टू राइट एड्रिनल विरिलिज्म वो भी तो कंडीशन है ना एक का इट्स ऑल्सो ओवर सिक्रीशन ऑफ इट चिल्ड्रन पर कशिंग सिंड्रोम लिख के आते हैं यहाँ पे भी तो लिखा है इनफैक्ट मेल में गायनेकोमास्टिया उसका सिम्टम हुआ बट कंडीशन तो वही है ना क्या एड्रिनल विरिलिज्म हाइपरसेक्रेशन के दोनों हैं कशिंग सिंड्रोम एंड एड्रिनल विरिलिज्म इसमें हाइपो में एक ही है दैट इज एडिसन सिंड्रोम ऑल थिंग है बट देयर इज अ कैच इन दैट सो ध्यान देना क्या एड्रिनल विरिलिज्म इज ऑल्सो हाइपरसेक्रेशन पार्ट हाइपरसेक्रेशन Done? Okay. Next, a very important gland of your body. Pancreas. Okay. Why very important? Because we proudly say we rank number one in diabetes. Okay. So pancreas affect hua to diabetes. Aur diabetes mein bahut sare types hote hain. Okay, anybody? Type 1. And diabetes kitne type hote hain? Diabetes mellitus is further divided into type 1, type 2, type 3. Okay? And we rank number 1 in type 2. Okay? The disease caused by lifestyle and disorders. Okay? Apna lifestyle ke waise hi hota hai. So we come to the part that is. So ye aapko symptom nahi hai. Ye kaun syndrome hai? Not required for you. That is adrenal virilism, hypersecretion में जो आता है okay, so here, then mineralocorticoids, hypersecretion is Addison disease. If it is more adrenal virilism, glucocorticoids, Cushing syndrome, then सिर्फ table दे रहा पर अपने लिए segregation नहीं है अपने लिए simple है overall cortex में अगर hypersecretion हुआ तो adrenal virilism and Cushing syndrome. अगर less हुआ तो Addison disease. नेक्स्ट ग्लैंड पैनक्रियास एक्चुअली मैंने आपको कल शायद कहा था याद होगा पता नहीं इसका लोकेशन प्रॉपरली दिया है कि रेस्ट ऑल लोकेशंस आर गिवन एक्सेप्ट दिस सो व्हाट लोकेशन यू विल राइट मेरा देखिए ना बुक कुछ लिखा है वगैरह है तो लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड द स्टमक ओके Then, आप स्पेसिफिकली लिखोगे राइट डाउन
in the abdomen, OTK. Okay? Present in the loop of duodenum. Present in the loop of duodenum. Below the stomach. Present in the loop of duodenum. Then, keyword is loop of duodenum. अगर आप ध्यान दोगे इस डायग्राम में, इसके ऊपर स्टमक होता है. Okay? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन निकल रहा है. The moment small intestine comes out, okay, small intestine is divided into three parts: duodenum, jejunum, ileum. So duodenum takes a sharp curve, और फिर वो आगे जाता है. So वो एक loop बन जाता है. और उस loop के part में fit हो जाता है आपका pancreas. You can see, इसके अंदर वो fit हुआ है आपका pancreas. So in the loop of the duodenum, behind the stomach, or below the stomach, is what your pancreas is present. Now, the pancreas is a heterocrine gland. Actually, here you need to know heterocrine word compulsory or dono ka part ka function. Bhale syllabus ka part 9th mein padha, but general ke liye pata hona chahiye. The exocrine function is to produce pancreatic juices, enzymes. And the endocrine function is to produce pancreatic hormones. Okay. Chan, I don't understand kya wo isme aa chuka hai. Technically, but I think we can still go on with the part. Yes. If I take a sectional view of pancreas, agar uska sectional view dekhta ho microscope ke andar, this is what I look a pancreas as. आपके बुक में डायग्राम प्रॉपरली दिया नहीं है, बट एग्जाम में आई एम स्पेसिफाइंग इन द एग्जाम ये डायग्राम दिया जा सकता है. ओके, इट वुड बी गिवन हैंड ऑन व्हाट एवर, कैसे भी ड्रॉ किया हुआ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. रीजन इज वेरी सिंपल. हम देयर वुड बी अ सेल शोन लाइक अ फ्लावर. यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब फ्लावर के माफिक सेल्स दिखाई दिए जाएंगे, they are known as the acini, pancreatic acini, which are exocrine in function. So, वहाँ पे children, I want you to note down this diagram में ना, ये जहाँ पे लिखा है ना enzyme secreting cells, ऊपर वाले part में enzyme secreting cells, वहाँ पे वो word लिखना acini. ACINI, pancreatic enzyme secreting cells are known as acini. Okay, और जो बीच में एक light pink color का दिया हुआ है, okay, that light pink जहाँ पे लिखा है hormonal secreting cells, if I'm not wrong, okay, वहाँ पे लिखोगे isolates of Langerhans. What is isolates of Langerhans? The endocrine cells of pancreas. 90% fill in the blanks के लिए आता है. या name the following. Give the endocrine cells of pancreas. तो endocrine cells of pancreas is isolates of Langerhans. So isolates of Langerhans. चलो ये word आपके syllabus में है. So there is no option, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये word नहीं करना. Now simple है children. What is isolates of Langerhans? Langerhans क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? What would be the word Langerhans? Obviously, children, scientist का नाम है. इसने पहली बार एक किया तो isolates of Langerhans. तो यहाँ पे isolate comes from the word that is island. Okay? Then acini are the cells surrounding it और इसके बीच में ये island की तरह है. इसके लिए इसको isolates of Langerhans कहा जाता है. Am I clear? Yes, sir. Now, this isolate of Langerhans is further made up of three different types of cells. Mass of cells है, but this mass of cells are further differentiated into three types of cells. Alpha, Delta, or
बीटा, सो अल्फा बीटा एंड डेल्टा. नाउ हमें अगेन नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम. अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करता है, बीटा क्या सिक्रेट करता है और डेल्टा क्या सिक्रेट. अब ध्यान देना, अल्फा सेल्स ग्लूकोवा, बीटा सेल्स इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन. अब सोमैटोस्टैटिन जो नाम लिखा हुआ है बुक में क्लियरली मेंशन किया है, नॉट इन सिलेबस. थोड़ा संबंध की बात है, सोमैटोस्टैटिन सिलेबस में, फंक्शन सिलेबस में. सो इफ यू दे आस्क यू व्हाट इज अल्फा बीटा डेल्टा सेल सिक्रेटिंग, तो वो नाम बताना चाहिए कि बाबा इंसुलिन ग्लूकोगन सोमैटोस्टैटिन. इंसुलिन डिस्क्राइब किया है, ग्लूकोगन डिस्क्राइब किया है, सोमैटोस्टैटिन का भले लिखा हुआ है पर उसका डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पढ़ना. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन इज नॉट ए फॉर सिलेबस, पर नाम सिलेबस में. एम आई क्लियर? नाउ हाउ डू वी रिमेंबर दिस, बिकॉज अल्फा सेल ग्लूकोगन को सिक्रेट करता है, बीटा इंसुलिन को और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन को. द बेटर ऑप्शन टू रिमेंबर इज, हिंदी में बहुत सारे पिक्चर्स मूवीज वगैरह में कहते हैं नो वाइफ कॉल्स हस्बैंड, ए जी सुनते हो, रिमेंबर ए जी, ए अल्फा जी ए, या यू कैन रिमेंबर इट एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, गिबरेलिक एसिड जी ए, बी ग्लूकोगन लव एंड ए अल्फा सेल, चॉइस योर्स. ओके, पर याद रखने के लिए रिजल्ट. दूसरा, वी स्टडी इन आईसीएसई बोर्ड, हमारे ऊपर आईबी बोर्ड, सो आईबीआर, आई इंसुलिन बी बीटा सेल, इजीली याद रहता है बाबा इंसुलिन बीटा सेल. ओके, या बीएमआई का एम निकालो, बीआई, सो बी फॉर अगेन बीटा, आई फॉर इंसुलिन. कैसे याद रखना है वो तुम्हारा रुका हो, मैंने सिर्फ बता दिया. और सबसे लास्ट के एस डी, के अपना एस डी कार्ड, एस डी स्लॉट, वो तो याद रहेगा. ओके, सो देयर एस फॉर सोमैटोस्टैटिन, डी फॉर डेल्टा सेल्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट. अब चलन फर्स्ट प्रिंसिपल एक्शन ऑफ इंसुलिन. अब यहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्शन को छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे रिमेंबर करके लिखा, उसको मार्क करना इंपॉर्टेंट. 99% गलती ये करोगे जो रिमेंबर में लिखा. व्हाट इज रिटन ओवर दैट? सर नॉर्मली बोलिए ना, बोलते वक्त अपन यही बोलते हैं, अरे इंसुलिन कम हुआ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर. ओके, इट्स टेक्निकली रॉन्ग, इट नेवर डिक्रीजेस द ब्लड शुगर, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड शुगर और एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड शुगर. ओके, सो नॉट अ प्रॉपर वर्ड टू से इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर. एम आई क्लियर? So now come back to the principles of insulin. Principle में क्या लिखा है? It helps, it promotes glucose utilization by the body cells. That is first point. Second क्या लिखा है? It stimulates deposition of extra glucose into the liver of fat cells, converting glucose to glycogen. दो ही लिखे हुए हैं. क्या चलो basic principle है. यहाँ पे तो ग्लूकोज है, आइदर वो यूटिलाइज होगा या इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. आर देयर ओनली टू प्रिंसिपल्स ऑफ इट. नाउ अगर शुगर ज्यादा होगा तो क्या? हाँ, नहीं, शुगर ज्यादा हुआ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा,
तो डायबिटीज मेलिटस. दिस इज माय एनी बॉडी सेल. ओके, इसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज देयर. नाउ व्हाट इज द इंसुलिन फंक्शन? इट हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, जिसके वजह से शुगर लेवल कम होता है. बट अब अगर इंसुलिन इज लेस प्रोड्यूस, देन व्हाट हैपेंस? विल द ग्लूकोज बी यूटिलाइज? नो. सो इफ ग्लूकोज इज नॉट यूटिलाइज, देयर विल बी मोर ग्लूकोज इन टू योर बॉडी. सो मोर डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, द मोर ग्लूकोज इन द बॉडी, देन डिपोजिशन नहीं होगा. डिपोजिशन का मतलब होता है इट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पा रहा है, ना वो यूटिलाइज कर पा रहा है, तो ग्लूकोज ही रहेगा. ग्लूकोज हुआ, सो देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट, सो कंडीशन लीडिंग टू डायबिटीज मेलिटस. अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, डायबिटीज का मतलब होता है मोर वाटर, मेलिटस का मतलब होता है हनी या स्वीट वाटर. सो वाटर विच इज स्वीट, आई होप वाटर विच इज स्वीट. ओके, यू अंडरस्टूड दैट पार्ट. नाउ अब चिल्ड्रन, आपका शुगर लेवल हाई है, ओके, यू आर लीडिंग टू डायबिटीज मेलिटस. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दिस, पेशेंट को शुगर देना चाहिए या नहीं? अ पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज मेलिटस, उसको शुगर खाना अलाउड है या नहीं? नहीं. मतलब कैन आई से लाइक दिस, ईटिंग शुगर कैन लीड टू डायबिटीज? मैंने वो भी बोला ही नहीं, मैं इतना ही बोला, हिटिंग मोर शुगर कैन लीड टू डायबिटीज. चलो मान लो कल मैंने एक गोनी इसको स्वीट दे दिया और खा रही है, फैटी है, ऐसा सोच कर खा रही. अगर तुम्हारा लॉजिक चलता है इसके हिसाब से, सर लॉन्ग टाइम से खाए तो होना चाहिए, एवरीबॉडी से थिंग ओवर हियर, maybe exception I would say few would have diabetes. बचपन में से चॉकलेट ही खाते हैं. Some of you may not like chocolate. बचपन से शायद खाना नहीं खाते, लोग खाते नहीं होंगे. But normally it is said the weakness of a girl is the chocolate. Okay, ऐसे बोला जाता है. ऐसे बोल रहा हूँ. Okay, और ये ना बोल रहे मतलब पनकों खाते होंगे. Okay, बस लेन. मुझे कमेंट करना ही था. तू तो खाती है कंफर्म बर्गर, आइसक्रीम, स्विस रोल. चलें, अब शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता, वरना हर एक बच्चा डायबिटीज होता है. दूसरी चीज, डायबिटीज होने के बाद शुगर नहीं आता. सो वंस यू आर अफेक्टेड, then there has to be tightened the screw, okay? और आपने इसका घर पे इफेक्ट देखा होगा. अगर आपके घर पे कोई डायबिटिक पर्सन, okay? then the effect is mind blowing, okay? and उसके ऊपर ना होते हैं तो चेरी ऑन द आइस बट जो भी है के ऊपर, अगर डैडी अफेक्टेड है या डैडी मम्मी कोई भी अफेक्ट हो, नॉट मासेस मम्मी डैडी, okay? तो यू आर ऑलवेज एट द अपर है, जब बार बार मम्मी सुनाते रहते. पर जब उनको होता है ना, पर देखा गया अगर डैडी को होता है, एंड दिस पीपल हु आर डायबिटिक दे हैव मोर क्रेविंग्स फॉर शुगर कंटेंट, तो उठाएंगे कि मम्मी ने कुछ बनाया, हम मम्मी बोले एक ही पीस बनाया, एक पीस खाया, एक पे तो कभी रुकेंगे नहीं. हो जैसे सेकंड होता है, यू आर देयर एज अ प्रॉपर केरोसिन, मतलब आप मौका मिला है. हाँ वही अपन पूरा काम करते हैं कि मम्मी डैडी ने चार पांच खा लिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू एंजॉय,
मम्मी चिल्ला रही है समझ में एंड दैट टाइम डैडी कैन नॉट से एनीथिंग टू यू लाइक वेरी शांत से मम्मी का सुन रहा है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग अरे तुम्हें मैं यही कर रहा हूँ घूमो सबके मीन ससा पर हमारे घर पे तो उल्टा ही था नॉन ऑफ आवर फैमिली मेंबर इज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ स्वीटनेस मतलब एक केक भी लाया तो शायद वो हफ्ते भर वहां पे गिरेगा फिर देखने वाला भी नहीं होगा पर नेक्स्ट डे पे वो खत्म हो गया तो किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं वी नो नाइट डैड माइड कम आउट और फिर गए होगी सोने ना मॉम ना भाई ना मैं तो बिल्कुल मतलब स्वीट तो अभी अभी खाना चालू किए पहले तो इट वॉज लाइक हॉरिबल फॉर्म ओके हाँ बट इसका ये मतलब भी नहीं चाहिए क्या स्वीट नहीं खाने से मुझे डायबिटीज नहीं होगा ऐसा नहीं ओके आई मे नॉट ईट स्वीट एट ऑल बट स्टिल आई कैन बी अफेक्टेड बाय डायबिटीज नॉट जेनेटिकल टाइप टू स्ट्रेस ओके तुम जैसे नमूनों को पढ़ाना अपने आप में एक स्ट्रेस है ओके उसके ऊपर सुबह का जो इंसिडेंट हुआ तो और एक स्ट्रेस लिटरली अफेक्टिंग है ना सो नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्ट अब बंदे को डायबिटीज हुआ सो ऑब्वियसली वो शुगर नहीं खा सकता बट स्टिल यू फाइंड देयर आर सम पीपल कैरिंग चॉकलेट्स विद देम अगर आपके घर पे दादी दादी या मम्मी डैडी सबको होगा या मोस्टली अगर इंसुलिन लेते होंगे तो चॉकलेट कैरी करते हैं कौन सा चॉकलेट समझ से टॉफीज टॉफीज में वेरी स्पेसिफिक जो है वो कैंडी होते हैं वो ना येलो कलर रेड कलर पिंक कलर के आते थे ना हाँ लेमन वैसे ही लेमोनेट्स जो आता ना वैसे मतलब मस्ट क्वेश्चन इज सिंपल के उनको शुगर कंटेंट अलाउड है या नहीं है नहीं है तो शुगर क्यों कह रहे थे चक्कर आना माइंड ब्लोइंग परफेक्टली राइट नो इश्यूज इन दैट केस आपने जो बोला सही बोला तो मेरा सिंपल क्वेश्चन वापिस आता है मान लो तुम्हें ये प्रॉब्लम यू हैव दिस प्रॉब्लम आपका इंसुलिन कम हुआ या ज्यादा हुआ और शुगर कंटेंट कम था तो आपको चक्कर आएगी चक्कर आने के टाइम पे आपको क्या चाहिए शुगर चाहिए तो आपको शुगर खाना सबसे पहला इंस्टेंट ताकि चक्कर आके गिर ना जाए ओके अब एक मोमेंट के लिए मानना तुम टाटा बिरला अंबानी कैटेगरी पीपल फ्रॉम दैट कैटेगरी ओके सोचो टाटा बिरला अंबानी असला लगता है क्या आटा नहीं का चॉकलेट आया ना सर फेरल वाशर उसके ऊपर चॉकलेट का नाम पता नहीं मुझे या माधव मिडिल क्लास फैमिली को ये चक्कर आ रही है शुगर के यार बर्गर पाव बैटर पिज्जा के समोसा अरे शुगर है कि नहीं है सर वड़ा पाव शुगर होता है ना समोसा शुगर है पटाटा जो भरा हुआ शुगर ही तो है व्हाट इज वेरी स्पेसिफिक ऐसा क्यों मुझे शुगर चाहिए मैं वड़ा पाव भी सोर्स ऑफ शुगर है पिज्जा भी सोर्स ऑफ शुगर है इवन डार्क चॉकलेट का सोर्स ऑफ शुगर है इसलिए कोई ट्रिगर चेन डायरेक्टली ऐसे जाके काम नहीं कर सकता उसको थोड़ा कुछ तो सोच के बताना दो मिनट सोचने के लिए क्या तेल अच्छा तो तेल मत खाना आइसक्रीम खा ले भाई अरे किसने बोला नहीं मत खाने के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हो वह चलो ऑयली नहीं खा रहे आइसक्रीम में तो शुगर ना नहीं है वो भी
लिख लिया ये पॉइंट, तो फाइसर लिखे जा, डेरिमल लिखे जा, डेरिमल सिर्फ लिखे जा स्टैंडर्ड के हिसाब से, आया ना? चलन सिंपल है, द मोमेंट यू टेक उस टाइम पे वी से दैट द बॉडी अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन दिस प्रोसेस. डायबिटिक पेशेंट्स में 90% जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, दे नो दिस सिम्टम वेरी वेल, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसिमिक स्ट्रोक. ओके, सबसे पहला उनके आंखों के सामने ब्लैकआउट होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और उनके सामने सा अंधेरा छा रहा है. ओके, फिर दे वुड फील गिडीनेस एंड डाउन दे गो. ओके, अब उस प्रोसेस के बीच में यू हैव सम फ्यू सेकेंड्स और मिनट, एक आध दो मिनट होगा आपके पास अपने आप को बचाने के लिए, वरना नीचे. ओके, अब व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम? इमीडिएट सोर्स ऑफ शुगर, बाजू में वड़ा पाव है, डेरी मिल्क है के लिया खाया, प्रचलन प्रॉब्लम है के मेरे पास दो मिनट है के अपने आप को बचाने के लिए, कोई और कुछ भी खाओ तो मेरी बॉडी विल अंडरगो डाइजेशन प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का तो नहीं पता, पर तुम नीचे असेंबल्ड हो चुके हो. ओके, यू बुल लाइट डाउन फॉर द पार्ट बिकॉज इट वुड टेक टाइम फॉर इट टू डाइजेस्ट. मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास दो ही मिनट है. ओके, सो देन द बेस्ट ऑप्शन इज ग्लूकॉन डी, नॉर्मल शुगर और द कैंडी शुगर्स, बिकॉज द मूवमेंट आई कीप इट ऑन माई टंग इट विल डिजॉल्व देयर इटसेल्फ, इमीडिएटली टेकन बाय चिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम हियर इनटू द ब्रेन, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्टली ब्रेन के सबसे पहला ब्लैकआउट को स्टॉप करेगा के, ताकि चक्कर आके ना गिरो, बिकॉज चक्कर कब आएगा जब शुगर लेवल ब्रेन के पास कम हो. तो मेरा फर्स्ट पार्ट ब्रेन को देना, बाकी बॉडी पार्ट को बाद में चलेगा, पहले ब्रेन के पास. सो कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी कॉम्प्लेक्स शुगर, आई नीड सिंपल शुगर्स विच इज दिस पार्ट. एम आई क्लियर? दे ऑल कॉम्प्लेक्स शुगर, इसके लिए आपको खा नहीं सकता. हाँ, शक्कर या ग्लूकॉन डी ऑल्सो नॉर्मल ग्लूकोज, जैगरी ऑल्सो वर्क्स, हनी भी, पर इतना है कि जैगरी वर्क्स, हनी भी काम कर लेगा, तो स्वीट सिंपल सा शुगर भी होता है उसके अंदर. ओके, भजवन कोई हनी कैरी नहीं करता हूँ. ओके, शुगर कैंडी सबसे बेस्ट कैंडी होते हैं. ओके, अब इनमें ये टाइम क्यों आता है, बिकॉज सिंपल है, अगर डायबिटीज पर्सन है एंड इट्स वेरी क्लियर कि अगर मान लो घर पे हस्बैंड इज अ डायबिटिक पर्सन, तो वाइफ उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, तो शी वुड ऑलवेज सी दैट, उसको टाइट करके रखेगी, खाने में कोई शुगर कंटेंट नहीं, फिर प्रॉपर डाइट रखेगी, सब कुछ होगा, और उसके ऊपर इंसुलिन इंजेक्शन ले रहा है, तो जो खाना खाया पहले इंसुलिन इंजेक्शन लिया, उसके बाद खाना खाया जाता है, अब खाने में कोई शुगर कंटेंट था ही नहीं, ऑलरेडी शुगर लेवल वॉज बैलेंस्ड, उसके ऊपर इंसुलिन लेने की वजह से वो और ड्रॉप डाउन होगा, तब इनको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है. क्लियर? शुगर ब्रेन के पास कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, व्हिच इज मोर हार्मफुल, मोर शुगर या लेस शुगर? यस, हाइपोग्लाइसिमिक स्ट्रोक इज मोर डेंजरस देन हाइपर, बिकॉज हाइपर हुआ इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है, पर आगे जाकर डायबिटीज होगा, आगे जाके ना, पर हाइपोग्लाइसीमिया इमीडिएट होगा. ओके, और ये किसी को भी हो सकता है, डायबिटी को जरूरी है, लाइक बचपन में तुम लोग को भी हुआ होगा, स्पेसिफिकली रैन को बच्चे को होता ही है, तुम्हारा सो कॉल मिस्टर पिंटो जब आता है और असेंबली होती है,
मैंने सुना तीन तीन चार चार घंटे की, एक हाथ बच्चा टम नीचे, सुबह खाया नहीं आता होता है, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं आए, रात को 8 बजे 9 बजे खाना खाता, मोर देन 12 आवर्स के ऊपर फास्टिंग हो गया, उसके बाद 3-4 घंटा असेंबली के लिए सुन खड़े हो, विंडो आते हैं वो खुद खाकर हम लोग को भी खाते हैं सर, और हम लोग पाकिस्तान में रह के हम लोग पानी भी नहीं पी लेते सर, उसके लिए बोर्ड में दे दिया इतना उसको बोलते हो ना तो विल डेफिनेटली लीव अ लॉन्ग तुम्हारी बदौलत ना, सो नाव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज, अगर इंसुलिन नहीं है तो विल योर बॉडी यूटिलाइज शुगर? नहीं, इंसुलिन नहीं है तो बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, वही तो लिखा था ना फंक्शन में, हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, तो अगर इंसुलिन कम हुआ तो विल द ग्लूकोज यूटिलाइज? नो, अगर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ स्टोर भी नहीं होगा, तो विल यू गेट एनर्जी? नो, अगर एनर्जी नहीं होगी तो ब्लैकआउट होगा, चक्कर आके गिरोगे? ना, देयर आर सर्टेन पीपल जिनमें डायबिटीज बचपन में ही होता है, जुवेनाइल डायबिटीज होगा ना, या कई पीपल में इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता, इंसुलिन इज जीरो, डायबिटीज का सीवियर फॉर्म में कभी कभी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, ओके? तो चलन, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इनका, क्या करो इनका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता या बिल्कुल कम हो गया? हाँ, इंसुलिन आर्टिफिशियल आता है, इसमें बाहर कितने बार लोग वो इंसुलिन का ही पार्ट हुआ, पर वो रेगुलर बेसिस पे हुआ ना, उसके अलावा ऑप्शन क्या होता है? जिनको डायबिटीज होता है उनको डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरसाइज करना। चलो फैट बिल्ड होंगे किसमें? फैट बिल्ड किसमें होंगे? ग्लूकोज में होंगे, तो बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पा रही है, क्या मतलब है? मैंने इतना सब कुछ करके क्या फायदा हुआ? नॉट देयर फॉर यू, पर बिना इसके इंसुलिन का फंक्शन समझ में नहीं आता, ओके? जस्ट फॉर नॉलेज, आपका ये बॉडी सेल है, बॉडी सेल के बाहर ग्लूकोज है, ओके? एंड वी हैव इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, ओके? द ग्लूकोज इन योर बॉडी कैन नॉट एंटर इन टू एनी सेल, ओके? पर इसको अगर एंटर करना, सेल का सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी सेमी परमिएबल, तो ये उसको अलाउ नहीं कर सकता ग्लूकोज को, बट इंसुलिन को अलाउड करता है। सो व्हाट हैपेंस इज, इंसुलिन कंबाइंस विद ग्लूकोज, वो उसको अटैच कर सकता है, इंसुलिन को कंबाइन हुआ ग्लूकोज और इंसुलिन अलाउड है। इट्स लाइक मोरे जा घरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी, ऑल आर इनवाइटेड एक्सेप्ट हिम, दुश्मन है मान के ये ऐसा कौन है, ओके? बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, ये बोलता है अरे चल मेरे साथ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, एंड बट ऑल दिस, ओके? वी आर एटलीस्ट सम इंडियंस, ओके? घर है दुश्मन को भी अपन ऐसे गोपनीय मिल गए, बस इतना अपने पास सेंस है, ओके? व्हेन ही कम अलोंग विद हिम ये कुछ नहीं बोलेगा, एक दोस्त के साथ चलो, उसको पसंद नहीं आया वो बात अलग है, पर कांट से एनीथिंग।
क्या एक केक ज्यादा खाएगा और एक ज्यादा खाएगा और कुछ फर्क पे नहीं पड़ने वाला है. एग्जैक्टली सेम थिंग. ग्लूकोज अलाउड नहीं है पर इंसुलिन अलाउड है. इंसुलिन के साथ कंबाइन करके ये अंदर जाएगा. वंस इनसाइड इंसुलिन का काम डन गॉन. बट ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज सेल के अंदर है ना चिल्ड्रन. एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP. तो ये अंदर गया, ये अंदर गया, ये अंदर गया. पहले कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद? 4 और 3 7. अभी कितने हैं? 4. सो कैन आई से इंसुलिन हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. इट इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज हेल्पिंग टू यूटिलाइज द ग्लूकोज. ये हुआ इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. बट अगेन इट प्रूव्स गॉड इज अ वंडरफुल क्रिएटर. दो एक्सेप्शन है यहाँ पे. एक व्हेन यू डू एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज हाफ एन आवर वॉक जो डायबिटिक पेशेंट को बोला जाता है भाई चलो. द मोर यू वॉक और डू एक्सरसाइज परमिएबिलिटी ऑफ सेल चेंजेस. विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज विल एंटर. एंड चिल्ड्रन ये सबसे बड़ा रीजन है. दैट इज व्हाट आप कोई भी डाइट वगैरह प्लान में रखते हो वहां पे बोलते हैं क्या रिड्यूस योर इंसुलिन डिपेंडेंस. ये होता है रिडक्शन इन इंसुलिन डिपेंडेंस. जितना आपकी बॉडी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होगी ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए उतने चांसेस आपके ओबेसिटी फैट्स बढ़ने के. जितना आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करोगे इंसुलिन की डिपेंडेंस कम होगा. बॉडी विल डायरेक्टली टेक इन द ग्लूकोज सो इट विल हेल्प यू आउट. ये पहला. और दूसरा पैदाइशी इंसुलिन नहीं बन रहा है वॉट एवर रीजन इट इज. द ओनली सेल विच कैन डायरेक्टली टेक ग्लूकोज इज नर्व सेल्स. बिना इंसुलिन के भी वो एब्सॉर्ब कर सकता है. तो वो इंसुलिन के डिपेंड नहीं है. मतलब सोचो जिस बच्चे में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वैसे भी फंक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज इंसुलिन नहीं है और ग्लूकोज तो यूज ही नहीं हो पाएगा. सो वहां पे डायरेक्टली ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर लेता है आपका. क्लियर विद दिस? पर हाँ ग्लूकोज ही कम हुआ तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ इंसुलिन. वहां पे मैंने इंसुलिन का काम एक्सप्लेन कर दिया. डायबिटीज वगैरह ट्राइकोसेंजन उसके सिम्टम्स दिए हुए इंसुलिन के. दैट इज मोर थर्स्टी देन लॉस ऑफ वेट. ये सब आप खुद पढ़ लोगे. देन चिल्ड्रन वहां पे लिखा है ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया. ओके कब होता है? जब इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ेगी. टू मच ऑफ इंसुलिन कैन रिड्यूस ड्रास्टिक रिडक्शन इन ब्लड ग्लूकोज. ओके पेशेंट कैन अंडरगो कोमा. Well planned murder in simple language is this. बहुत सारे pictures में दिखाया जाता है हिंदी movie, मराठी movie में बहुत सारी movies में दिखाया है. The best option अगर मुझे पता है you know if we are both related to each other family है और बहुत property है like you know brother sister उस category में proper disorder होना है. तो मुझे पता है that my sister is diabetic. वो अपने खाने के पहले इंसुलिन इंजेक्शन देता है एंड प्रॉपर्टीज के नाम पे भी है. इसको मारूंगा तब मेरे नाम है. ये मर्डर करूंगा तो प्रॉब्लम होगा. व्हाट आई डू विद अदर ये हमेशा बन एमएल लेती इंसुलिन नस्को 10 ml लेती आई जस्ट इंजेक्ट 10 ml ऑफ इंसुलिन. आई नो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगी एंड कैन गो इनटू कोमा और डेथ कंफर्म हो गई. मैंने बहुत ज्यादा दी है. ओके अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या आएगा? एक्सेस इंटेक ऑफ इंसुलिन एक्सीडेंटल एंटी. अभी किसको पता कि जबरदस्ती दी है या क्या है? अनलेस एंड अंटिल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी पर वो अपने अपने कंडीशन. ओके देन दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ इट. ओके सो दिस इज व्हाट द इंसुलिन इज. सो हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस. शुगर लेवल बहुत ड्रास्टिकली कम होने की वजह से absolutely nerve cells cannot function to express then you may enter into coma and can even lead to death. उसके बाद remember लिखा है जो मैंने आपको बोला. उसके बाद I think वही लिखा हुआ है glucagon the second one.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोमन एक वर्ड में एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन व्हाट इज एंटागोनिस्टिक अपोजिट अगर वो यूटिलाइज करके मतलब डिक्रीज कर रहा है तो ग्लूकोमन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर टारगेट ऑर्गन लीवर एंड फैट डिपोज एडिपोज टिश्यू लीवर फैट डिपोज फंक्शन क्या करेगा इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर मतलब इंक्रीजेस द ब्लड शुगर बाय अंडरगोइंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर ओके ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर बिफोर आई फॉरगॉट what is the schedule for today after this class? 10:30 मैंने कल मैम से बात की थी सो मैम ने मुझे बोला था दे कैन पोस्टपोन द टेस्ट बाय हाफ एन आवर ऑन आपको सब टेस्ट बाद में दे देता ना ऐसा मुझे चॉइस इज योर्स हाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन इज 10:30 चैप्टर खत्म होता है ट्राई कर हाँ मैं बाद में करवाता हूँ 10 बजे मैम से पहला पूछना पड़ेगा वापस मैम आएगी वो भी पता नेक्स्ट वी गो ऑन टू दिस द पार्ट थायराइड इंसुलिन में कोई डाउट है अगर ग्लूकोमन में भी इज वेरी क्लियर फिर वो समरी दिया हो जो पढ़ा है उसका समरी शॉर्ट में लिखा है वो पढ़ो एक ही बात है नेक्स्ट वी गो ऑन टू इज द थायराइड ग्लैंड द सिंपल ग्लैंड अमंग द बॉडी दैट इज थायराइड पार्ट जो आपके ब्लू बॉक्स में दिया वो समरी दिया हुआ यही पार्ट का थायराइड ग्लैंड इट्स अ बाइलोब बेसिकली अ बटरफ्लाई ग्लैंड सबसे सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स लोकेशन दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स कॉमन मिस्टेक प्रेजेंट इन द नेक रीजन द मोमेंट आई यूज द वर्ड नेक सर एडिशनली सर आपने जो वाला लिखा ना present in the neck just below the larynx still it is wrong then when I use the word in the neck neck ye pura hota hai so you need to specify front of the neck just below the larynx is where the thyroid gland is present okay ab thyroid mein then book mein diagram diya hua hai wahan pe beech mein ka part ये वाला पार्ट इज नोन एज इस्थमस लेबल कर लो वहां पर लिखा है शायद से डायग्राम में लिखा किधर तो लिखा हुआ था तो हाँ ये लेबलिंग करने के लिए इस्थमस Okay. Now here, children. 10 o'clock. I'll give you break for 5 minutes, and then we we'll start again, continuing this part. 11. Okay. Till 11 o'clock. 11 o'clock. बाद में कर लेना अभी चलें अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो शायद 11 o'clock पर भी जाएगा नहीं उसके पहले खत्म ओके सो यर थायराइड ग्लैंड इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स थायराइड के एग्जैक्टली पीछे at the four corners button shape is parathyroid nobody is going to ask you this mujhe bata do now the hormones related by thyroid is thyroxine and calcitonin again naam pata hona chahiye calcitonin ka
उसका फंक्शन सिलेबस में नहीं है. ओके, सो यू शुड नो इट्स इट्स टू हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड कैसेरोन. सिलेबस में वी ओनली हैव थायरोक्सिन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन? रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लुएंस द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आपके बुक से दिया हुआ है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, देन मेंटल डेवलपमेंट. ओके, नाउ चल वहां पे अगर देखोगे मेंटल डेवलपमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, अगर थायरोक्सिन कम या ज्यादा होगा तो आपके बॉडी पे इट इज ओइंग अ पार्ट वेर इन यू आर डॉफ एज वेल एज मेंटली रिटार्ड. पर चिलन ग्रोथ हार्मोन में भी अपन पढ़ते हैं इट इज डॉर्फिज्म. सो हाउ इट इज रिलेटेड चिलन? इट सिंपल फॉर्म अगर मैं बोलू, जैसे सामने का छोटा सा ग्राउंड मान के पकड़ लो. ओके, ग्राउंड बिलोंग्स टू सम पर्सन, उसको वहां पे बिल्डिंग क्रिएट करनी है. ओके, बट इट डजंट हैव एनी मनी, नथिंग हैज यस, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. बट अगर पैसा ब्रिक्स वगैरह सब कुछ है तो बिल्डिंग बनेगी. ग्रोथ हार्मोन इज लाइक दैट ग्राउंड के वो सिर्फ डेवलपमेंट कर सकता है, बट प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अलॉन्ग विद ग्रोथ हार्मोन आई रिक्वायर थायरॉक्सिन. बिकॉज विदाउट थायरॉक्सिन भले ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन यूटिलाइज कर पाएगा, पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन टू बी यूज बाय द ग्रोथ हार्मोन बाय थायरॉक्सिन इटसेल्फ. सो बिना इनके आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी and you will be mentally retarded. So, इनमें बच्चा dwarf और mental retarded होगा. पर growth hormone में वो सिर्फ dwarf होगा, not mental retarded. His IQ could be as good as like you and me, but in case of thyroxin, he would be mentally retarded. Clear with this? Hypothyroidism or under secretion of थायरॉइड. अब इनमें चलन एग्जाम्पल क्या दिए हुए? पहला गोइटर, सिंपल गोइटर. दूसरा क्रेटिनिज्म. तीसरा माइक्सोडियम. अब चलन ध्यान देना, सिवाय फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट टू जो है इनमें कीवर्ड इज क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड माइक्सोडिमा इन एडल्ट. एंड ये वर्ड याद रखना, बिकॉज नेम द फॉलोइंग या किसी में भी यही पूछेंगे, व्हाट इज द कंडीशन इफ देयर इज हाइपोसिक्रेशन ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म इन चिल्ड्रन नोन एज तो क्रेटिनिज्म, इन एडल्ट्स माइक्सोडिमा. बट अगर आपने इन चिल्ड्रन में माइक्सोडिमा लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाता है. सो क्रेटिनिज्म, सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म एंड माइक्सोडिमा, थ्री कंडीशन विच आर सीन इन टर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म. व्हाट इज सिंपल गोइटर? क्या हुआ सिंपल गोइटर? क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द नेक रीजन, स्वेलिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. यू कैन सी द स्वेलिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, विजिबल स्वेलिंग इन द नेक. पीपल लिविंग इन द हिली एरियाज away from sea affected due to deficiency of iron. Which areas? I would say the sub-Himalayan areas, okay, the northeast areas. In me, आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा goiter part. Now, my question to everybody again is, if suppose I do not give you iodized salt for next 10 years, अगले 10 साल तक आपको मैं iodized salt, I hope iodized salt, घटना वगैरह आपको नहीं देता हूँ, will it affect you? मान लो वेजिटेरियन अगर वो नॉर्थ ईस्ट में ग्रो हो रहा है तो नो, द रीजन वहां पे ग्रो होगा पर डिफरेंस है द मूवमेंट आई से वहां पे इंपॉर्टेंट था अवे फ्रॉम सी. देन वी स्टे जस्ट नेक्स्ट टू सी, बाजू में ही अपने हम कोस्टल एरियाज. देन वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन द सी वाटर,
विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लैंड. हमारे सॉइल में भी वही सॉइल वाटर है. सो वेन वी टेक दिस पार्ट प्लांट्स को भी खाते उनमें आयोडीन इज मोर नाउ. बट वी टॉक अबाउट द हिली एरियाज अवे फ्रॉम द सी लेवल. तो उनमें वो ग्रो होंगे तो उन सॉइल में आयोडीन इतना नहीं होगा. सो देन दे वुड बी मोर अफेक्टेड देन वी. सो हमें अगर एडेड सॉइल नहीं भी दिया हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा. और उसके अगर नॉनवेज खाते होंगे फिश वगैरह तो शायद ही फर्क पड़ना चाहिए. सो दैट्स व्हाट. नाउ देन गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आता है नीचे वाला. व्हाई इज एडेड सॉइल रिकमेंडेड इन द फूड बाय अ डॉक्टर. यहाँ पे बिकॉज आयोडीन इज एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन. अब चिल्ड्रन यहाँ पे ये लिख लेना रीजन बता दो. आप क्या लिख के आते हो आयोडाइज सॉइल इज रिकमेंडेड इन द फूड बिकॉज इट लीड्स टू गोइटर. देन गोइटर के लिए नहीं आयोडाइज सॉइल है. वी टेक इट बिकॉज या यू कैन राइट फर्दर विच लीड्स टू गोइटर. बट व्हाई वी टेक इट बिकॉज आयोडीन इज द precursor for thyroxine, and if thyroxine is less, iodine is less, then it leads to goiter. Okay. Now, किन के घर पे thyroid hormone का issue दिखाई देता है? Blood test किया जाता है? उस test में क्या लिखते हैं? Doctor वो tick करता ना paper के ये test करके आना है, या लिख के दिया होता है, तो उस test पे क्या लिखा होता है? ये दो वर्जन है हॉर्मोन्स के. डिसालिस पार्ट 3T3/4 थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन 4 molecules of iodine are required for thyroxine formation. So that is what it gives us. Am I clear? Yes. Okay. Next. Cretinism in children. अगर ये बच्चों में कम हुआ into dwarfism and mental retardation. Earlier atrophy of thyroid gland. मतलब बचपन में ही due to some reasons the thyroid gland degenerates या function नहीं करते हुए तब इनमें ये problem आ जाता है. so बचपन में ही है इसके लिए mentally retarded as well as dwarfism. early atrophy degeneration of the thyroid gland. adult में myxoedema and technically this word OEDEMA, edema is a mouth, is nothing but retention of body fluid in the part. आपके किसी भी part में body fluid retention होने के वजह से swelling दिखाई देती है. Okay? This swelling can be a case of myxoedema. Like a simple example. अगर मुझे मान लो पैर में या हाथ पैर में specifically सुबह उठता हूँ swelling है. Okay? अगर आपके देखिए family में मम्मी डैडी कई जन को होता है. Okay? फीमेल्स पार्ट. रीजन इज पूरे दिन भर हमें लगता है पर मम्मी डज लॉट ऑफ वर्क. सो पूरे दिन भर काम कर रही है रात को सो रही है तो तब स्वेलिंग होने के चांसेस है. एज अ डे प्रोग्रेसेस वो कम हो सकता है. ओके दैट इज सीन कॉमनली. बट ऑलवेज स्वेलिंग कैन नॉट बी अ माइक्सोडीमा. ओके इट कुड बी प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाया जाता है या इट कुड बी वन अंडरलाइंग सिम्टम ऑफ यू हैव किडनी प्रॉब्लम या आपको ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है तब भी स्वेलिंग दिखाई सकती है. सो टेस्ट करने के बाद पता लगेगा अगर थायराइड्स में प्रॉब्लम है तो उसमें ये दिखाई देगा आपको. सो पर्सन बिकम्स स्लगिश विद स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड. नॉर्मली ये नेट का डायग्राम है. ओके नेट में आपको देखोगे ना नर्क तो ये पहला दिखाई देता है और बोर्ड में ये उठाते हैं. सोचना आप देखो बोर्ड में तो फर्स्ट डायग्राम आता है ना नॉर्मली वही कॉमनली उठाया जाता है पेपर में डालते हो. सो यू फाइंड मदर टाइम डायग्राम इज पुट इन द पार्ट आइडेंटिफाई द कंडीशन. ओके सो इट इज माइक्सो देन नेक्स्ट ओवर सिक्रीशन
एक्सोप्थाल्मिक गोइटर वहां पे भी दिया हुआ है के देन वहां पे इतना क्लियर नहीं है पर इसमें बहुत क्लियर है प्रोट्रूडिंग आईज के अगेन नॉट टू बी मिस्टेकन विद अ कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकल फीचर ऑफ मोस्ट साउथ इंडियंस. साउथ इंडियंस के आंखें बहुत ज्यादा सब ब्रॉड और ये होते हैं. सो इनका ये मतलब नहीं कि वो कोई कैटेगरी में देर आर साउथ इंडियंस जिनमें आंखें नो बहुत ज्यादा बाहर मोटी होती है. पार्ट ऑफ दिस बट यस मार्क इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट ये पतले होते हैं. मतलब यहाँ पे एक उल्टा भी है. थायरॉक्सिन का इफेक्ट जो होता है स्पेसिफिक T3 T4 में ये एक ही हार्मोन है जिसका एक ही हार्मोन कैन ब्रिंग अबाउट वाइस वर्सा इफेक्ट. वाइस वर्सा मतलब अगर मोरे में काम कर रहा इफेक्ट कम हुआ इट बिकम्स टू ओबेस मेटाबॉलिज्म कम होने के बाद किसी और मतलब ये बहुत रेयर होता है पर हो सकता है. सो में से कोई एक होगा जिनमें सेम टाइप है पर वो ओबेस नहीं हो रही बहुत ज्यादा स्लिम हो जाते अगेन इफेक्ट ऑफ थायरॉक्सिन पर ये बहुत रेयर है कि वो स्लिम होना. यहाँ पे मार्क इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इसमें स्लिम होगा बिकॉज मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई. रैपिड हार्ट बीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये इंपॉर्टेंट है. प्रोट्रूडिंग आई ऐसा लगेगा अब भी आग बाहर निकल के आ जाए. दैट इज वॉट एक्सो ऑप्थैल्मिक. एक्सो मतलब बाहर ऑप्थैल्मिक मतलब आईज. गॉइटर स्वेलिंग इन द नेक इसमें भी दिखाई देता है पर अगर नेक इसमें स्वेलिंग है और आई बाहर आ रहा है तो एक्सो ऑप्थैल्मिक. अगर सिर्फ स्वेलिंग है तो सिंपल गॉइटर. वो लेस सिक्रीशन है ये मोर सिक्रीशन है. फॉर्मेशन ऑफ गॉइटर इन द नेक. ओके वी हैव 2-3 मिनट्स एंड देन वी स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट. अगर चलन इफ वी टू विदाउट टाइम पास प्रॉपर ईमानदार जैसे आपने पूरा आज डेढ़ घंटा विदाउट डिस्टर्बेंस थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सो देन वी माइट सी टू कंप्लीट इट विद इन हाफ एन आवर. ये तो मैक्सिमम 10:40 तक मैं ये क्लियर कर पाऊँ खत्म कर पाऊँ ओके सो दैट एंडोक्राइन भी हो जाएगा. सो देन यू आर लेफ्ट विद सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव. ओके आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर मैम लेगी. एक दो घंटा से मैम स्टार्ट कर दिया मैम ही खत्म करेगी आपको पढ़ाया होगा ना ऑलरेडी. एनीबॉडी हु आपको क्या पढ़ने से मतलब है. मैंने पढ़ाया मैम ने पढ़ाया बात तो एक ही है. सर पॉपुलेशन की बात है. पॉपुलेशन राइजिंग प्रॉब्लम. अरे वो देखिए बात. हां वही फिलहाल सेंस ऑर्गन या जो भी पढ़ना है एक सेंस का सेंस ऑर्गन. यह आ गया ब्रेक एक मिनट होल्ड करना. गो इट इज 9:56 10:05 हाँ तो कुल लगा ना मेरे को ना बोल दो ओके बाय 10:05 कम चलन अफ यू कम बाय 10:05 आई सी टू आई कंप्लीट बाय 10:40 मैक्स. Presentation में भी था इसलिए मैं